शहदाए कारसाज की बरसी पर पीपल्स पार्टी कराची में जलसा आम का अहतमाम किया जा रहा है। बागजना में इस जलसे की तैयारियां आखिरी मराहल में पहुंच चुकी हैं। मजीद तफसलात जान लेते हैं, कराची के बागजना में मौजूद हैं बोलियों के नुमाइंदे नदीम अहमद। नदीम बताएगा, तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं? जी हाँ, सानिया कारसाज के शहदा की 14वीं बरसी के मौके के ऊपर पीपल्स पार्टी की जानिब से बाग जना में जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस हवाले से एक कंटेनर्स का जो है वो शहर आबाद किया गया है। मेरे कैमरामैन साथी रेहान अगर आपको मनाजिर दिखाएं तो आपको अंदाज़ा होगा सैकड़ों की तादाद में जो है वो कंटेनर्स का एक हिसार में जो है वो जलसा गाह जो है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से तैयार की गई है। और आज शाम जो है वो इस हवाले से जलसे की कार्रवाइयों का आगाज होगा। तो बोल न्यूज़ अपने नाज़रीन को जलसे की तमाम तर कार्रवाइयों की का मुकम्मल अहवाल बराए रास्त दिखा सकेगा। ताहम इस जलसा गाह के मौके के ऊपर सिक्योरिटी के इंतहाई मरबूत इंतजाम किए गए। 4000 से जायद पुलिस एहलकारों को इस जलसा गाह की सिक्योरिटी के अंदरूनी हिस्से और बैरूनी हिस्सों के ऊपर जो है वो तैनात किया गया है। जबकि शहर भर में एक बाकायदा रूट प्लान ट्रैफिक प्लान जो है वो तरतीब दिया गया है। चूँकि कॉरिडोर 3 जो कि शाहरा कायदीन के ऊपर वाक़ है, इसको ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए महदूद किया गया है। जबकि न्यू एमजेना रोड को जो कि मदार कायद से होता हुआ सदर की जानब जाने वाला रास्ता है, उस ट्रैक को भी दोनों ट्रैक्स को जो है वो ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए महदूद किया गया है। ताहम इस हवाले से दिन भर जो जलसा गाह के अंदर रहने वाली सूरत आल है और जलसे की कार्रवाई है, बोल न्यूज़ अपने नाज़रीन को बरह रास्त मजीद भी जानते रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।